हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन विद सप्रोज। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वे जो क्वेश्चंस हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने 3 क्वेश्चन लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, या ये कह लीजिए हम लोग प्रूव करेंगे कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है अंडर रूट पाई होती है। उसके बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे कि 0 to π/2 साइन 6x6 यहाँ पे पावर है, cos qx dx की जो वैल्यू होती है 2/63 होती है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि 0 to π/2 cos 6x dx की जो वैल्यू होती है 5π/32 होती है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है। और फ्रेंड्स, इन सभी का सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आपको पूरे एंड तक वीडियो को देखना होगा। वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अधूरा ज्ञान लेना जो है अच्छा नहीं होता है। आप ज्ञान जब भी लीजिए तो पूरा ज्ञान लीजिए, मतलब पूरा एंड तक वीडियो लेक्चर देखिए। ऐसे ऐसे स्क्रोल करते मत जाइए, स्कीप मत करिए वीडियो को बीच में ही। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रूव करेंगे गामा हाफ जो होता है रूट पाई होता है। और एक बात, ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली बीएससी और एमएससी और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए हैं, या बीई स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा या इंडियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में ये पढ़ाई जाती है। तो ठीक है, पहले हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बीटा जो फंक्शन है, बीटा फंक्शन जिसका सिंबल βmn होता है, βmn इक्वल टू, हमारे पास एक रिलेशन है γm(γn)/n। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि एम और एन दोनों के लिए हम 1/2 लेने वाले हैं। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका गामा हाफ का होल स्क्वायर और डेनोमिनेटर में आपका 1 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एम और एन दोनों के लिए 1/2 लिया है। गामा 1 कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से एक रिजल्ट हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, बीटा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करने वाले हैं, जिसके अनुसार बीटा एमएन जो होगा 0 to 1 एक्स का पावर एम माइनस 1 (-1 - x) पावर एन माइनस 1 dx, जहां पे m और n दोनों 0 से ग्रेटर होता है। ठीक, अब देखिए यहां भी हम क्या करने वाले हैं, m और n दोनों के जगह पे हाफ लेने वाले हैं। तो हमें मिल जाएगा बीटा 1/2 की जो वैल्यू है 0 to 1 और x का पावर, देखिए m की जगह पे हाफ रखना है तो ये आपका -1/2 हो जाएगा। उसी टाइप से 1 - x का जो पावर है -1/2 हो जाएगा, और ये dx mn ग्रेटर देन 0 तो हम लोग हाफ ले रहे हैं। अब देखिए x के जगह पे हम रखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा, x सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से हमें dx मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो 2 sin θ (cos θ) और ये dθ, ये मिलेगा। x को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करने वाले हैं, x का लिमिट 0 to 1 है, x 0 तो थीटा 0, x 1 तो थीटा π/2। बीटा हाफ हाफ की वैल्यू कितनी है, गामा हाफ का होल स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं गामा 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि गामा 1 आपका 1 हो जाएगा।
तो 0 टू पाई बाय 2, ठीक। x की जगह पे हमें क्या रखना है, हमें रखना है x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर क्या है, माइनस हाफ है, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा का जो पावर है माइनस वन हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका पावर माइनस हाफ है, तो यहां भी हमें मिल जाएगा कॉस थीटा का पावर माइनस वन मिल जाएगा, ठीक। इनटू हमें dx तो रखना है ना, dx आपका ये है, इस dx को आप रखिए, dx है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका डी थीटा, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लीजिए, लिमिट है आपका 0 टू पाई बाई 2, साइन थीटा का पावर माइनस वन, साइन थीटा का पावर क्या है, 1 है, तो बेस से मेरा पावर जुड़ जाएगा, तो साइन थीटा का पावर 0 हो जाएगा, साइन थीटा का होल पावर 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें केवल यहां पर डी थीटा मिल जाएगा, ठीक। 2 हमने बाहर ले लिया है, डी थीटा मतलब यहां 1 है, तो 2, और यहां से देखिए आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, कैसे, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, लिमिट है पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 आएगा, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा यहां आपका पाई, और ये किसकी वैल्यू है, यह जो वैल्यू है गामा 1/2 होल स्क्वायर की जो वैल्यू है आपका पाई आ गया, तो गामा हाफ जो है क्या होगा, रूट पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, और हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है, और हमें इसे यूज भी करना है, तो यूज कहां करना है, तो जब हम इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कहीं गामा हाफ आएगा, और वहीं पे हम लोग इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई प्रूफ करने के बाद हम लोग को ये दो डेफिनेट इंटीग्रल है, इनकी वैल्यू हमें इतनी लानी है, या ये कह लीजिए कैलकुलेट करनी है। तो जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक रिजल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, और वह जो रिजल्ट है 0 टू पाई बाय 2 साइन पावर पी है यहां साइन एक्स पे, उसी टाइप से कॉस एक्स का पावर क्यू है, और ये आपका डीएक्स है, और इसका जो रिजल्ट होता है वह है गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 और होल डिवाइडेड 2 टाइम्स गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन 2, ये होता है, ठीक। इसी रिजल्ट का हम लोग हेल्प करते हैं, पहले इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 0 टू पाई बाय 2 और साइन 6x और है आपका कॉस qx dx, इस रिजल्ट में रखिए तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1, 6 प्लस 1 7, तो गामा 7/2 इंटू 3 प्लस 1 4, 4/2 तो गामा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे एक रिजल्ट हम लोग और इस्तेमाल करेंगे, वह जो रिजल्ट है ये है कि गामा जो n प्लस 1 है, या ये कह लीजिए गामा जो n होता है वह n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, ठीक, या ये कह लीजिए कि गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए, या ये भी कह सकते हैं कि गामा n प्लस 1 जो होता है एन गामा एन के बराबर होता है। तो देखिए गामा 7/2 है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 7/2 इंटू, सॉरी एक कम ना,
तो 5.2 इंटू 3.2 इंटू 1.2 इंटू रूट 5 हो जाएगा, और गामा 2 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, इंटू 1 कर लीजिए, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू, देखिए गामा 11/2 है तो 9/2 इंटू 7/2, एक एक कम करते जाइए, इंटू 5.2 इंटू आपका 3/2 इंटू 1/2 और ये आपका रूट पाई हो जाएगा, ठीक। देखिए तो ये रिजल्ट इतना, या ये पूरा ही कर लीजिए, ये पूरा ही यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए सेम है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, ठीक। 1-2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 कैंसिल हुआ ना, तो कुल मिलाकर के ये तो पूरी ही पूरी कैंसिल हो गई, बचा आपका 9 × 7/2, तो यह जो रिजल्ट है आपका आ जाएगा 2/63 आ जाएगा, ये यहां भी दिया हुआ है। अब इसको जरा किया जाए, इसमें इसमें भी देखिए सेम रिजल्ट को आप अप्लाई करिए, अंतर ये है कि इसमें साइन का टर्म एब्सेंट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स का जो पावर है 0 मानेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, गामा 6+1, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 इंटू साइन का पावर 0, 0+1 तो गामा 1/2 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू गामा 6+0, 6+2, 8, 8/2 तो गामा 4 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है 7/2, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, तो 7/2 से एक कम, 5/2 उससे एक कम, 3/2 उससे कम एक, 1/2 और ये साथ में रूट पाई हो जाएगा, और ये यहां पहले से गामा हाफ है तो ये रूट पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब क्या, 3 × 2 × 1, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 3 है और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमेरेटर में क्या बचेगा, 5√π × π, तो √π × π π हो जाएगा, 5π हो जाएगा, और ये सब 2 जो है डेनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में सबसे पहले प्रूव किया कि गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, उसके बाद ये 2 डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, अगर ऐसा है तो आप अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।